नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में गज्जक, तिल की पापड़ी, मूंगफली की गज्जक आदि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम अपने घर में इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। चलो आज हम तिल पापड़ी बनाते हैं। इसके लिए हमने 50 ग्राम चीनी ली है और 50 ग्राम ही तिल ली है, जो सफ़ेद तिल है। ये समान मात्रा में लेना है। थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है और उसमें एक मोटे पींदे की कढ़ाई रख ली है। गैस एकदम कम रखेंगे और तिल को हम भून लेंगे। उसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल यहाँ पर चटकने लग गए हैं, इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। सारे तिल चटक जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। भूनकर ये हल्के हो जाते हैं, इससे पता चलता है कि तिल भून गए हैं। तिल भून गए हैं, हम गैस ऑफ कर देते हैं। तिल को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी बर्तन में हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। गैस फ्लेम एकदम सबसे स्लो रखेंगे और इस पर चीनी डालेंगे। इसमें एक चम्मच पानी डाल देंगे। इसे लगातार चला देंगे। चीनी को गलने में 4-5 मिनट लगते हैं। ये धीरे धीरे गलकर एक समान हो जाएगी। चीनी गल गई है, अब हम इसमें एक पिंच इलायची पाउडर डाल देते हैं और ये तिल भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे गरम गरम ही बनाना होता है। गैस फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम तिल पापड़ी बना लेते हैं। पर हम अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे और बेलन को भी हम अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये पेस्ट डालेंगे चीनी और तिल का और इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। इसे जल्दी जल्दी बेलना होता है, वरना ये टाइट हो जाएगा। हम छोटी छोटी तिल पापड़ी बनाएंगे। एक तिल पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे हल्के हाथ से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी पतली तिल पापड़ी बनकर तैयार हुई है। इसे हम यहाँ पर एक थाली में रख लेते हैं और दूसरी बना लेते हैं। इसे हल्के हाथ से बेलते रहिए। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा जोर लगाकर बेल सकते हैं। ये दूसरी तिल पापड़ भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हम रख देंगे जिससे कि एक दूसरे के चिपके नहीं। इसी प्रकार हम सारी तिल पापड़ी बना लेंगे। अगर ये तिल चीनी ठंडी हो गई है तो इसे आप हल्का गर्म करके फिर बनाइएगा।
इसी प्रकार हम सारी बना लेते हैं। यहाँ पर तिल पापड़ी बन गई है। 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम तिल से हमने 3 तिल पापड़ी बनाई है, और बचे हुए से कढ़ाई में जो लगा हुआ था उसे रेवड़ी बना ली है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।